सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो, एक डाउट है जो कि अभी भी आ रहा है बच्चों के अंदर बार बार, जिसको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब एक चीज ये सुनो। देखो, जो नोटिस आई थी 29 को, जिसमें आपका एग्जाम का डेट था, और उसके बाद मैं आपको चीज बता चुका हूं कि डिस्क्रिप्टिव कैसे होना है, डिस्क्रिप्टिव कैसे होना है वो साफ साफ देखो यहाँ लिखा हुआ। अभी भी डाउट पे है, यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे हैं, अभी भी डाउट पर है। देखो, सीबीटी तो आपका होगा क्लियर है, और डिस्क्रिप्टिव पेपर जहां भी होना है वो पेन पेपर मोड पे ही होगा। पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो सीबीटी होगा वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश या हिंदी, आपको जो पसंद हो इसमें से वो लैंग्वेज चूज कर सकते हो। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि द रिस्पॉन्सेज फॉर द डिस्क्रिप्टिव पेपर कैन बी इन हिंदी या इंग्लिश। हाँ, और यह भी कि आप डिस्क्रिप्टिव भी हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हो, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द मीडियम ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट्स। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या मीडियम चूज करना है। फर्दर, द मीडियम ऑफ द रिस्पॉन्सेज हैज टू बी द सेम फॉर बोथ द पेपर्स। मतलब कि क्या, जो आप मीडियम चूज करोगे एक बार, वो आपको सीबीटी में भी और डिस्क्रिप्टिव में भी सेम रखना होगा। मैं मीडियम की बात कर रहा हूं, याद रखना, सब्जेक्ट की नहीं, मीडियम की बात कर रहा हूं। कि अगर यहां आपने इंग्लिश मीडियम में देना चूज किया है, आपको इंग्लिश मीडियम में देना है, तो डिस्क्रिप्टिव भी आप इंग्लिश मीडियम में दोगे, और अगर हिंदी मीडियम में आपको सीबीटी देना है तो आप डिस्क्रिप्टिव भी हिंदी मीडियम में दोगे। ये ऑप्शन देखो, ये पॉइंट 5 है, ठीक है, यहां साफ साफ लिखा हुआ है 29 तारीख की जो नोटिस आई थी। पहला वाला, ये चीज मैं बार बार बता रहा हूं कि जो आपकी सीबीटी होगी वो बाइलिंगुअल होगी। डिस्क्रिप्टिव मैं 2 महीने पहले ही बता चुका था कि डिस्क्रिप्टिव भी बाइलिंगुअल ही होनी है, ठीक है। 2-3 महीने पहले बता चुका था कि डिस्क्रिप्टिव भी बाइलिंगुअल होनी, जाके आप वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें यह चीज क्या है कि जो भी मीडियम आप चूज कर लोगे एक बार, जैसे आपको सीबीटी आप इंग्लिश में देना है तो आप डिस्क्रिप्टिव भी उसी लैंग्वेज में दोगे। अब मैं समझता हूं कि अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, अब ऐसा कोई डाउट नहीं रहा होगा जो आपको दिक्कत कर रहा हो। लास्ट के अब 1 हफ्ते बाकी है, दबा के तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। लिखने की प्रैक्टिस करो अच्छे सारी, अच्छे से जितना अच्छा लिख सकते हो, ठीक है। चीजों को पढ़ो, समझो, टॉपिक कैसे कैसे आ सकते हैं, कैसे कैसे वो सब बताया गया है वीडियोस में, उसको देखिए, ठीक है, और मन लगा के पढ़िए। बाकी मेरे ब्लेसिंग्स आप सबके साथ, ठीक है। उम्मीद करो कि अब मेरी बातें आप सबको क्लियर हो गई होंगी। और इस वाले पैराग्राफ में लेबोरेटरी से रिलेटेड पॉइंट है, ठीक है, 6 में, जिन बच्चों को उससे डाउट है ये कर लो, ये पढ़ लो, हालांकि इसके बारे में मैं बता चुका हूं, ठीक है। चलो, मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।